हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस का एक वेरिएशन पोर्टुगीज गैम्बिट। पोर्टुगीज गैम्बिट में अंदर का वेरिएशन जो है BB5 प्लस BB5 चेक वाले। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने बताया था कि BB5 चेक वाले दो वेरिएशन हम लोग ने देख चुके हैं। आज मैं दिखाने जाना हूँ मतलब वो लंबा वेरिएशन जहाँ पे ज़्यादातर वाइट के प्लेयर्स खेलते हैं। तो ये वेरिएशन खास आपको तैयार करना है दोस्तों, इसके लिए बुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। E4 D5 Nxg4 Bg4 F3 Bg5 और Bb5 चेक। दोस्तों Bb5 चेक मैंने बताया था जैसा कि पहले भी कि Bd4 के अलावा पहले से ही Bb5 चेक आता है, तो उसका वेरिएशन अलग है जिसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये दोनों मिक्स नहीं हो जाए इसलिए NBD7, हालांकि उसमें भी NBD7 ही आता है BB5 चेक में। तो NBD7 के बाद C4 या खेलना है E6, Dxe6, Bxe6। हमने यहां से दो वेरिएशन देखे थे, एक C5 वाला और दूसरा Nxc3 वाला। अब देखेंगे D5 जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वाइट से ये प्लेयर खेलते ही खेलते हैं, बहुत सारे गेम में हो चुका है। तो इसके बाद Bf5, आपका बिशप पहले G4 पे गया, बिशप E6 पे आया और बिशप F5 पे आया है। अब दोस्तों बेसिकली ओपनिंग प्रिंसिपल के अपोज आप खेल रहे हो, मतलब बिशप को स्टार्टिंग में तीन बार आपने मूव कर चुका है, लेकिन फिर भी आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि आपके 1, 2, 3 और 4 पीसेस ऑलरेडी डेवलप्ड है और व्हाइट का ओनली बिशप ही बाहर है। सिर्फ एक पॉन प्लस होने के बाद 3 पीस डेवलप में पीछे है व्हाइट। इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, आफ्टर बिशप F5। अब यहाँ से हमने देखा था बिशप E3 और Nxc3 बिशप। अब देखते हैं यहाँ से दोस्तों 3 वेरिएशन है आपके पास, मतलब व्हाइट के पास बिशप F5 के बाद बिशप E3 पहला वेरिएशन, दूसरा जो है Nxe2 और तीसरा जो है Nxc3। तो पहले हम देखेंगे बिशप E3 पहले बार निकलता है तो आपको यहां देना है Bb5 चेक, बिशप D2 और बिशप E7, Nxe2 हमको कर देना है कैसल, बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7, शॉर्ट कैसल बाय व्हाइट और यहां बढ़िया मूव है बिशप D3, आफ्टर B3 सिंपल B5 और ब्रेक लेके आप अच्छे से खेल सकते हो। बहुत ही जबरदस्त अटैक है आपके पास, बिशप C5 चेक और बहुत सारे अच्छे अच्छे मूव्स दिखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा वेरिएशन Nxe2 में क्या होगा। E4 D5 Nxe6 D4 Bg4 F3 Bg5 Bb5 चेक Nd7 C4 E6 D6 Bg6 D5 Dn Bg5 Nxe2। इसके बाद Nxe2, यहां पे आपको जब भी ये D5 हम करवाते हैं जानबूझ के, क्योंकि डार्क स्क्वायर डायगोनल हमारा स्ट्रांग हो जाता है, बिशप C5 पहले रख देना है ताकि पूरा डायगोनल आपके कंट्रोल में हो जाएगा। आफ्टर बिशप C5 व्हाइट खेलेगा Nxg3 और यहां पे Qe7 चेक Qe2। व्हाइट चाहेगा कि वो ऑलरेडी एक पॉन अप है तो जल्दी से जल्दी एक्सचेंज हो जाए। बिशप D3 बहुत ही सरप्राइज मूव है मेरे पास, Qe7 बिशप टेक्स E7 और Nxc3, उसके बाद लॉन्ग कैसल और फिर ये गेम भी आपकी फेवर में है। दोस्तों लास्ट वेरिएशन देखते हैं, लास्ट यानी बहुत ही बढ़िया, यही सेम वेरिएशन नेशनल टूर्नामेंट में मेरे सामने एक गेम में हुआ था और ऑन बोर्ड मैंने बहुत ही जबरदस्त मूव निकाली थी, वो गेम भी बताऊंगा आपको। पहले वेरिएशन देख लेते हैं, E4 D5 Ed5 Nxc6 D4 Bg4 F3 Bb5 Bb5 check NBD7 then C4 E6
डी टेक्स ई सिक्स, बिशप टेक्स ई सिक्स, डी फाइव। डी फाइव क्यों खेलना जरूरी है? अगर डी फाइव नहीं खेलते तो सी सिक्स देन बिशप टेक्स सी फोर, आसानी से पॉन रिकवर होता है। तो इसके लिए वाइट डी फाइव खेलता है, बिशप एफ फाइव, उसके बाद नाइट सी थ्री। नाइट सी थ्री में बिशप सी फाइव आएगा आपका, क्वीन ई टू चेक। यहां पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और कंप्यूटर ने भी सजेस्ट किया है किंग एफ एट बेस्ट ऑप्शन, सरप्राइज मूव है। अब देखो व्हाइट सोचेगा कि डेवलप भी हो जाए और एक पॉन आपके हिसाब से बिशप या पीसेस माइनर पीसेस एक्सचेंज हो जाए। यहां पे व्हाइट खेलेगा बिशप ई थ्री, क्वीन ई सेवन से आपको सपोर्ट करना है, बिशप टेक्स डी सेवन, नाइट टेक्स डी सेवन, बिशप टेक्स सी फाइव, क्वीन टेक्स सी फाइव, क्वीन एफ टू। ये परफेक्ट मूव है ओपनिंग में, क्वीन टेक्स सी फोर, एन जी ई टू, क्वीन सी फाइव। दोस्तों ये एकदम परफेक्ट ओपनिंग व्हाइट की ओर से भी है, परफेक्ट रिप्लाई है, यहां से गेम इक्वल चल रही है और जो बहुत ही अच्छा खेलेगा वो गेम जीत जाएगा। लेकिन व्हाइट ने टूर्नामेंट में मेरे सामने इसी गेम में एक एरर किया था, वो एरर मैं आपको बताता हूं उसे मैंने कैसे पकड़ा है। ई डी फाइव, नाइट एफ सिक्स, डी फोर, बिशप जी फोर, एफ थ्री, बिशप एफ फाइव, बी बी फाइव चेक, नाइट पे डी सेवन, सी फोर, ई सिक्स, डी सिक्स, बिशप ई सिक्स। यहां तक परफेक्ट व्हाइट जा रहा था ओपनिंग के हिसाब से, बिशप सी फाइव, क्वीन ई टू, किंग एफ एट, बिशप ई थ्री, क्वीन ई सेवन, बिशप टेक्स बिशप। यहां उसने मूव चेंज कर दिए, या जो कि मूव ऑर्डर चेंज हुआ है, मूव चेंज नहीं हुआ, क्वीन इनटू बिशप। अब व्हाइट ने क्या सोचा है कि रूक ई एट जल्द ही आएगा, तो उसके जवाब में व्हाइट ने लॉन्ग कैसल कर दिया। एक्चुअली में लॉन्ग कैसल अच्छी मूव नहीं है, तब मैंने सोचा कि ये क्यों इतनी बैड मूव है, ऑन बोर्ड कुछ ना कुछ मुझे करना होगा। तो यहां पे पहले मैंने खेला है ए सिक्स, बिशप टेक्स नाइट, नाइट टेक्स बिशप, उसके बाद सॉरी ए सिक्स, मैं एक मूव मिस कर दिया यहाँ पे, बहुत टाइम पहले खेली हुई गेम है इसलिए जल्दी ज्यादा मूव याद नहीं है। बस यहाँ से हाँ, यहाँ मैंने खेला था आर ई एट। व्हाइट क्वीन के पास ओनली एक ही ऑप्शन है, क्वीन डी टू, अच्छा ऑप्शन, मतलब यहाँ जा सकता है लेकिन पैसे हो जाता है। क्वीन डी टू, उसके बाद ए सिक्स, देन बिशप टेक्स नाइट, नाइट इंटू बिशप, क्वीन डी फोर। व्हाइट सोच रहा है कि पॉन भी बच जाए और पीछे से क्वीन एक्सचेंज हो जाए। मैंने यहाँ पे क्वीन ए फाइव किया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पॉन दे चुका हूं, मुझे कुछ भी एक्सचेंज करना नहीं। जी फोर प्लेड बाय व्हाइट, बिशप जी सिक्स, देन एच फोर। दोस्तों यहाँ पे आप अपना ये वीडियो पुश करके खुद ही सोचिए कि कोई मूव आपको डेंजर मिलता है कि नहीं मिलता है। मैंने बहुत सोच के एक बढ़िया मूव किया है। आप लोग सोचोगे कि शायद से मैंने एच फाइव किया है या एच फोर किया है क्योंकि मेरा बिशप नेक्स्ट मूव में ट्रैप हो रहा है, पर मैंने यहाँ पे ब्रिलियंट मूव निकाले, नाइट सी फाइव। व्हाइट ने एच फाइव किया, बिशप ट्रैप, लेकिन आफ्टर नाइट बी थ्री व्हाइट रिजाइन, व्हाइट ने यहां पे रिजाइन कर दिया क्योंकि वो बहुत ही हाई रेटेड प्लेयर था और मेरे सारे मूव्स उसने कैलकुलेट कर दिए थे। आप भी गिन सकते हो, जैसे कि पॉन्टेक्स नाइट करता है क्योंकि नाइट फॉर्क है और किंग के पास कोई स्पेस नहीं है, ऑलरेडी चेकमेट है, तो पॉन्टेक्स नाइट जरूरी है। क्वीन ए वन चेक, आफ्टर किंग डी टू क्वीन बी टू चेकमेट हो गई, और अगर यहां पे नाइट बी वन आता है
तो फिर क्वीन टेक्स नाइट चेक, किंग डी टू टेन, क्वीन सी टू चेकमेट हो रही, दो जगह से चेकमेट हो रही थी, मतलब मेट तो फोर्स थी। दोस्तों ये थी स्कैंडिनेवियन डिफेंस में बीबी फाइव, पोर्टुगीज में बीबी फाइव वाली मेरी खुद की गेम खेली गई है। ऐसे ही मूव आपको ऑन बोर्ड बहुत सारे गेम में मिलने वाले हैं, इसीलिए ये लाइन तैयार करनी जरूरी है। बहुत सारी ओपनिंग्स के सभी मूव्स आपको रेडी करने हैं, पूरी ओपनिंग एकदम तैयार करनी है मूव बाय मूव। तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कहीं मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ या नहीं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि हर बार मैं आपको गेम मेरी खेली हुई दिखाऊंगा ली चेस में, तो चलिए ली चेस में गेम देखते हैं। ब्लीज बुलेट गेम, वैसे मैं खेलता नहीं हूँ बुलेट, बहुत कम खेलता हूँ, लेकिन ओपनिंग प्रिपरेशन के लिए मैं खेल लेता हूँ। तो बुलेट गेम देखते हैं, आज की स्कैंडिनेवियन ही मैंने खेला था और आज ही मैंने क्वेश्चन निकाल दिया बुलेट रेटिंग में से। ये है लास्ट वाली गेम, देखते ओके। E4 D5 E5 नाइट F6 C4 आइसलैंडिक गैम्बिट। दोस्तों इसके बारे में हम पोर्टुगीज खत्म होने के बाद डिस्कस करने वाले हैं। E6 D6 बिशप E6 D4 बिशप B5 चेक, नाइट C3 नाइट D4 D5, ये थोड़ा सरप्राइज था एक्चुअली में, क्वीन D3 बेस्ट मूव है यहाँ पे। D5 नाइट टेक C3 और रुक मिल रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा डेंजर भी है हमारे लिए, क्योंकि G7 पॉन भी मर रहा है और बिशप भी मर रहा है, तो मैंने बिशप बचाया और उसके बाद क्वीन E7 चेक दिया और उसके बाद रुक बचा लिया, नाइट F3 देन नाइट D7 बिशप से अटैक, लेकिन ऑलरेडी नाइट से सपोर्टेड है। अब यहाँ पे एक डबल थ्रेट दी व्हाइट ने, क्वीन H8 और बिशप टेक्स F8, दोनों थ्रेट मैंने RH से बचा ली, मेट की थ्रेट है, यहाँ पे सिंपल चेकमेट हो रही है। G3, अब दोस्तों ये वाइट की ब्लंडर थी, बुलेट में ब्लंडर भी होती है टाइम प्रेशर में, क्वीन टेक्स देन और सिंपल क्वीन टू बिशप रुक चेक चेक देन और व्हाइट रिजाइन, मतलब टाइम अप भी हो रहा है और व्हाइट हार भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई भी मेट आ नहीं रही और वैसे भी डिफेंस के लिए बहुत सारे पीसेस हैं यहाँ पे, रुक B8 जैसे जा सकते हैं अगर क्वीन इस लाइन में आती है तो, लेकिन आ ही नहीं सकती, F3 पॉन खुद का नट रहा है और ऑलरेडी क्वीन C4 पे गार्डेड है। तो दोस्तों कैसे रही ये गेम कॉमेंट बॉक्स में लिखना, और हर बार एक गेम भी आपको दिखाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो आपको बताऊंगा बनाने वाला हूँ तो उसके बारे में अभी बता दे रहा हूँ। BB5 चेक हमने देखा, जिसमें G4, अब देखो क्या है नेक्स्ट वीडियो, उसके आपको हाईलाइट दिखा रहा हूँ। E4 D5 E takes D5 नाइट F6 D4 बिशप G4 F3 बिशप F5 बिशप B5 चेक एंड Bd7, और यहाँ पे हमने C4 देखा था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट G4। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।